हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और यहाँ पे देखो, मैं बोल रही हूँ और जो आलू है वो एक्टिंग कर रही है। अरे यार, एक्टिंग क्या कर रही है, आज तो इसकी एक्टिंग अच्छी सी हो गई थी। पता ये ना आज गिर गई, गिर के ना इसको ना सर में ना चोट लगी है। हाँ, पैड से ना इस तरह से गिरी है और पीछे ना इतना सा टुकड़ू जैसा बन गया है यहाँ बैक साइड पे। और ये बोली, मामा पानी दे दो। पता है मेरे हाथ पैर पूरे सुन हो गए थे, पूरे एकदम से मेरी ना हार्ट बीट तेज़ हो गई। मैंने बोला पता नहीं कितनी सी लग गई है। अभी है ना अपना कंघा भी निकलवा रही है, इसको इतना दर्द है ना। बोलती है पापा को, बोल रही थी पापा ड्यूटी से कब आना है, जल्दी से ड्यूटी से आ जाओ और मेरे लिए ना एक लिफाफा भर के दवाई लाना। आदु आपकी कच्ची जो है ना वो शर्ट के ऊपर है, शर्ट उसके बीच में है, ठीक करो आगे से। तो ये ना मन्नत का स्कर्ट लगा करके ना घूम रही है, क्योंकि ये बोलती है कि ये मेरा लहंगा है। तो पापा को बोल रही थी पापा मेरे लिए ना दवाई लाना लिफाफा भर के, क्योंकि मुझे सर में दर्द हो रही है, इसके लिए ना लिफाफा भर कर के लाना। हाँ फ्रेंड्स, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा फ्रेंड्स तो आप लोग आदू के ही हो। जितने भी कमेंट्स आते हैं वो आदू के लिए ही तो आते हैं। चुप हो जाओ, मेरे सारे देखा मेरी आदू की एक्टिंग। पता है मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना सिर्फ और सिर्फ आदू के बारे में पूछते रहते हैं। और फ्रेंड्स सॉरी, मैं ना बीमार थी थोड़े दिनों से यार। जब भी सोचती हूँ कि मैं व्लॉग बनाऊंगी, और मैंने ना परसों मेरी बेटी का कल था शायद, हाँ कल था उसका कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन। तो हम ना वहाँ गोपीनाथ आश्रम गए भी थे, वहाँ की मैंने हल्की सी वीडियो बनाई भी थी, बट मैं ना आगे अब कंटिन्यू नहीं कर पाई। मैंने शिवलिंग की वीडियो बनाई थी, मैंने दो चार शिवलिंग की वीडियो बनाई थी। हाँ, इसने वीडियो बनाई थी सच में, शिवलिंग की अच्छी आ रही थी, मम्मी बोलती कि अच्छी है। फिर मैंने घर का खींचा ही नहीं, मैंने खींच किया सर हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। देखा आज्ञा करी बेटी मेरी, हरी हरी बोल। बोल दिया मम्मा प्लीज एक बार ना मुझे वृंदावन लेके चलो ना मम्मा प्लीज। और इसको जो पापा पैसे देता है ना आजकल, ये वहाँ वृंदावन के लिए जमा करती है। बोलती है वहाँ जाऊंगी और अपना काना लेके आऊंगी। हाँ, जो चूड़ियाँ थी वो पहले की टूटी हुई है, पहले की दुकान से टूटी थी है ना? नहीं, अभी ये दोनों टेप वाली है, शादी टूट गई थी उनकी और मैंने दो ही रखती। अच्छा चलो ठीक है, मैं जो ठीक है फ्रेंड, बाय बाय। यहाँ पे ना हम गोपीनाथ आश्रम गए थे, और वहाँ पे ना ये जो पुराने कश्मीरी थे ना तो ये वाले ड्रेस पहनते थे, उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस जो है वो यही होती थी उस टाइम पे। आजकल तो नहीं पहनते हैं लोग, लेकिन उस टाइम पे दुल्हन को भी पहनी जाती थी और नॉर्मल इंसान भी वो ऐसे ही पहनते थे। और यहाँ से ना मैंने अच्छे से शूट करने की कोशिश की थी, कुछ क्लिप ना आदू ने डिलीट कर दिए अच्छे अच्छे वाले, क्योंकि वहाँ पे चरखा वगैरह जो भी था, हुक्का वगैरह सब मतलब रखा हुआ है अच्छे से। तो वो सब मैं बता रही थी, लेकिन आदू ने पता नहीं वो क्लिप ही डिलीट कर दी है। अभी मैं जब एडिटिंग कर रही थी तो तभी मैंने देखा में वो क्लिप नहीं है। और ये सारे वहाँ पे बताए हुए हैं कि ये खीर भवानी मंदिर, शंकराचार्य वगैरह, और ये सारे वही थे। और क्या नाम है, नील पर्वत पे जो माता शारदा देवी का मंदिर है वो, यहाँ पे सब कुछ बताया गया था। तो यहाँ पे पूरा मतलब जो भी कश्मीर की जितनी भी विरासत है वो सब यहाँ पे दिखाई गई थी। तो सॉरी फ्रेंड,
फ्रेंड्स, अभी ना मैं देखती हूँ एक दो दिन तक मैं जाऊँगी और अच्छे से वीडियो जो है ना वो शूट करने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड मैं नहीं अच्छी बनी ना, ये जो बनी थी वो इसने डिलीट कर दी, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी फ्रेंड। और ये आ गया हमारे अंबरनाथ जी का जो है ये बाबा बर्फानी उनकी गुफा, और ये शिवलिंग आ गया, देखो एकदम से लगता है ना ओरिजिनल जैसा। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी सब ओरिजिनल ही लग रही थी, बट सिर्फ आदू की और आदू की वजह से ना सब वो हो गया। ये आ गया डल लेक और यहाँ पे शिकारे वगैरह जो भी हैं वो। यहाँ पे ना मेरी बेटी का जो ड्राइंग कंपटीशन था और वो वाली वीडियो बनाई, क्या पता नहीं क्या हो गया मेरी वीडियो ही पूरी जो मतलब कि ख़राब जैसी हो गई, कुछ समझ नहीं आ रही। एक्चुअली मेरे साथ ना बच्चे भी खड़े थे, वो भी काफ़ी धक्के शक्के मार रहे थे, उसकी वजह से ना हिल रहा था, तो इसीलिए प्लीज़ मैं ना अच्छे से शूट नहीं कर पाई हूँ। मेरे को मतलब जो शूट किया था कुछ तो वो तो पहले आदू ने ही डिलीट कर दिया, और जो हुआ और बच्चों ने काफ़ी सारे धक्के मार, मूर्खे रश इतना था, काफ़ी सारे बच्चे थे तो उसकी वजह से हो गया है। चलो कोई ना, हो गया है। और मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, नहीं बोलना, अच्छा ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आई होप फ्रेंड आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स थोड़े से तो बाकी बच गए हैं यार, अब जल्दी जल्दी 1K करवा दो, एक मस्त सा सेलिब्रेशन। क्या कर रहे हो मम्मी की वीडियो को करा दो अभी तो आदू भी बोल रही है कि यार क्या कर रहे हो, करा दो करा दो 1K, पता है तभी तो मैं डीमोटिवेट होती हूँ, 1K कम्प्लीट नहीं हो रहे ना, बढ़ रहे बच्चे लॉस हो रहे, बढ़ रहे लॉस हो रहा है, तो उससे ना थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है। तो प्लीज़ ना मेरे को 1K करवा दो, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स।